ये आपको ड्राफ्टिंग की जो तकनीकी है वो कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, ये देखिए मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है, और मदर प्लांट में ये कैसे ड्राफ्ट, देखिए आपके सामने इन्होंने कट किया है, और कट करके उतने ही मोटाई का, और देखिए ये फलदार पौधे का ये तना काट करके, और इसके अंदर ये देखिए ये कौन सी प्रणाली है, वेज प्रणाली है, वेज प्रणाली है ना जी। ये वेज प्रणाली के माध्यम से देखिए कर रहे हैं। अब इस पर देखिए ये प्लास्टिक का वो लगा देंगे, प्लास्टिक का लगा देंगे, और अब ये देखिए आप भी अपने घरों में कर सकते हैं। या बीजू प्लांट जितने हैं, ये देखिए बीजू का ये प्लांट है, और बीजू के बाद उसको कैसे कट किया है, और जो फलदार पौधा है उतना ही मोटाई का उसका तना ला करके, और कैसे बीच में कट करके अब देखिए इसको कर दिया। अच्छा ये बताइए कि ये इसके ऊपर ये पॉलिथीन क्यों लगा रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये जो पॉलिथीन लगाते हैं हाँ, इससे इसकी नमी बनी रहती है, ये पौधा हाँ, सूखता कम है हाँ, तो जब इसमें समय लगेगा सूखने में हाँ, इसके पहले ही 15 से 20 दिन में हाँ, इसमें स्प्राउटिंग फुटाव शुरू हो जाता है हाँ, और जब फुटाव ये करीब गेहूं के दाने बराबर होगा हाँ, तो ये सफेद पन्नी इसलिए लगाते हैं पॉलिथीन, कुछ दिखेगा भी हाँ, हाँ, जैसे ही वो गेहूं साइज का होगा फिर इसको निकाल देंगे हाँ, तो ये आपने देखा अपने अब किस तरह से सब हो रहा है, ये सब देखिए पूरे लोग लगे हुए हैं पूरा इसमें इन्होंने काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं, ये काफ़ी लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, इसमें बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, हैं एक अनपढ़ भी इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, और इसे कर करके अच्छा अच्छा प्रॉफिट कर सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।